तो अभी मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं और मैं आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज जाना था हस्बैंड को सुंदरगढ़ अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल सा और जल्दी जो होने वाला है उसी का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं सांभर बना रही हूँ, तो सारी सब्जियों को मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है और दाल मिक्स कर दिया है, उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और साथ ही साथ उसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है ताकि जो सांभर का प्रोसेस है जल्दी हो। तो इधर मैं क्रश कर रही हूँ, बॉइल्ड आलू लिए हैं और मिर्च कट कर लिया, धनिया कट कर लिया है और अदरक भी क्रश कर लिया है। तो आज रोटी में कुछ चटपटा सा रोटी बनाने वाली हूँ, तो आटा मैंने ले लिया है। आटा में मैंने सारा कुछ डाल दूँगी, आलू क्रश किया हुआ, धनिया पत्ता और मिर्च और अदरक, सारा कुछ डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी ये सारा ऐड कर देंगे और इसको एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। सारा कुछ को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जितना ज़रूरत अनुसार मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि आलू में भी अपना एक मॉइस्चर रहता है। तो ऐड होने के बाद यहाँ पर मैंने एक डो तैयार कर लिया है, उसको मैं अलग जगह ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और उसके बाद हम तैयार करेंगे सांभर। जो सांभर हो चुका था, सीटी लग चुकी थी, तो यहाँ मैं छोंक लगा रही हूँ, तेल दे दिया, पंचफोरन, मिर्च, यहाँ थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हींग मैंने डाला है और बॉयल टमाटर। ऐसा बॉयल करने से ना मतलब कट करने का भी कोई झंझट नहीं रहता है और आसानी से हो जाता है, अच्छी तरीके से गल जाता है टमाटर। उसके बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ये है सांभर मसाला, और सांभर मसाला देने से ना जो सांभर का कलर होता है बहुत ही अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो जब भी इडली वगैरह बनता है, कभी कभी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ राइस के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा सांभर बॉयल हो चुका है, तो इसको एक तरफ करते हैं और रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक गोला ले लिया है आटा का और लोई लेने के बाद जैसे सिंपल पराठा बनाते हैं, पराठा की तरह ही नहीं मतलब नॉर्मल रोटी की तरह ही बना रही हूँ, उसमें घी डाल के सेंक लूँगी। तो कभी कभी यदि रोटी खाने का मन उभर जाए, मतलब अभी होता है ना गर्मी हो रही है और बिल्कुल इच्छा नहीं होती है रोटी खाने की, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये टिफ़िन के लिए अच्छा है, सॉफ्ट भी रहता है और चटपटा भी लगता है। कुछ इसके साथ कुछ सॉस वगैरह भी ले सकते हैं या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो इधर गर्मा गर्म बना भी रही थी और उनको दे भी रही थी, तो थोड़ा बहुत प्लेट में गिर चुका था सांभर। तो होता है कभी हड़बड़ाहट में क्योंकि दो हाथ तो रहते हैं किचन में और ऊपर से मतलब देना भी पड़ता है, तो हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ मेरे पराठे भी बन चुके हैं और इधर सुबह भी हो चुके हैं, देखिए कितना सुंदर मतलब सूरज दिख रहा है। और यहाँ मैं भून रही हूँ सौंफ और धनिया और उसके साथ यहाँ मैं देव की टिफ़िन की तैयारी भी कर रही हूँ और उसको आज लेना था जैम और ब्रेड और रोटी, मतलब उसका मन था आज यही लेना है, तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ जैम और ब्रेड। और एक तरफ मैंने भूनने के लिए दे दिया है और उसका एक मतलब जो होता है मुखवास के लिए, हम कहीं जाते हैं ना सफ़र में तो हस्बैंड उनको अच्छा लगता है, मतलब कहीं भी जाते हैं मीटिंग वगैरह दिन भर रह जाते हैं तो इस टाइम में मुंह भी सूखने लगता है और कुछ मुंह में लेने के लिए होता है ना, ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसको थोड़ा मैं कुछ मिक्स अलग सा करने वाली हूँ, तो ये मैं बना के रखती हूँ, कभी कभी ऐसे बहुत टाइम बाद बनाई थी क्योंकि एक बार बनाने से बहुत दिन चल जाता है। यहाँ मैं देव को बनाने के लिए मतलब खाने के लिए दे रही थी, एक तरफ उसका टिफ़िन का तैयारी हो गया है, इधर मैं रोटी में जाम लगा के दे रही थी ताकि वो थोड़ा खा ले। तो आज वो तो बड़ा हो गया, देखिए खुद सब कुछ कर ही लेता है,
यहाँ अपनी टिफ़िन की जो पैकिंग है आज अपनी देवी करने वाला है। और तो देव की टिफ़िन पैकिंग हो रही है और आज उसे कुछ भी एक्स्ट्रा लेना नहीं था। मैं उसके लिए रोटी रखने वाली थी पर उसने रखने नहीं दिया। तो अभी देव जा चुका है, हस्बैंड भी जा चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का। और ये जो मिश्रण मैंने भुना हुआ था सौंफ और धनिया का, ये ठंडा हो चुका था, उसमें मैंने मिश्री ऐड किया और इसको मिक्स करके यहाँ मैं स्टोर करके रख ले रही हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का और अभी देव को बैठाऊँगी, अभी खाना खा रहा है। खाना खाने के बाद उसे जल्दी नींद नहीं आती है, नींद आने के लिए उसको थोड़ा सा 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठाती हूँ ताकि मतलब उन थोड़ा सा पढ़ ले और जो भी होमवर्क वगैरह है याद करना जो भी है थोड़ा बहुत 1 घंटे के लिए पढ़ाती हूँ। और पढ़ाने के बाद उसको खुद ब खुद नींद आ जाती है, नहीं तो वो सोता नहीं है जल्दी। गर्मियाँ भी अभी काफ़ी बढ़ रही है और आज से इसका भी स्कूल मतलब वो 1 बजे आता था, अभी 12 बजे पहुँच जाता है। तो जो भी हो गर्मी अभी काफ़ी है, जो बाहर हैं उन्हीं को पता चलता है, हम तो घर में हैं तो उतना नहीं लगता है, घर से बाहर ही पता चलता है गर्मी का। तो सभी अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिएगा मेरी वीडियो। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।